about Simpson, coming to the Indian leader in his number one boxer. Ashwari ne in the budget ma, leha bada sawal ji kare chhe. ये सवाल का जवाब कौन आवे आजे साथे मरे के सांभळ वाला छे सांभळे पछी गरी जी ने चर्चा पण करवाई छे અને ચર્ચા કર્યા પછી અવશ્ય એના ઉત્તરો પણ મળશે આજે આપણે પ્રથમ ચરણમાં પ્રભુની રહ્યા છીએ ત્યારે સૌ પહેલા શ્રી રાજી મહારાજનો પૂજનથી આ પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરીશું તો સૌ પ્રથમ શ્રી રાજી મહારાજનો પૂજન કરશે श्रीमती कांताराम सारी वाला अगर श्री प्राण श्रीमानंद स्वामी की આપણે સૌ સુંદર સા જયકાર કરીશું શ્રી પ્રાણનાથ સ્વામી શ્રી જાનંદ સ્વામી કી શ્રી સદગુરુ મહારાજ કી શ્રી પ્રાણનાથ સ્વામી મારો કમેન્ટ પડે ચેરમેન
આ તમામ પ્રોગ્રામ તમારી સારી બરાબર છે. શ્રી કિંકરભાઈ શ્રી રમાભાઈ
हजारों शास्त्री जन श्रीमद् भागवत के ज्ञाता जगह जगह पर जो है भागवत के पारायण अवश्य कर रहे हैं, लेकिन कोई ये ना बता सका कि वो नित्य वृंदावन कहाँ है। नित्य वृंदावन ये मथुरा वृंदावन नित्य नहीं, लाखों भागवते सुन लो लेकिन नित्य वृंदावन का वो प्रश्न मेरी पेंडेंट है जो राजा परीक्षित ने कहा था, वैसे ही वो वृंदावन वो प्रश्न कौन है जिसने बांसुरी बजाई थी, ब्रज की गोपियां वस्त्रों की तन थी घर की सुध नहीं थी और छोड़ करके चली गई, वैसी उत्तर नहीं दे सकते। आइए वह कृष्ण कौन है, क्योंकि हम लोगों ने केवल तन और तन के नाम को पकड़ा है। जैसे आज हम लोग बैठे तो दो ही मिनट के बाद चर्चा प्रारंभ करता हूं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम ना रहे, इसलिए हम लोगों ने जन्म लिया और जो आज हमारा नाम है ये लेकर हम नहीं जन्मे, ये नाम हमें दिया गया कब, हिंदू संस्कृति के हिसाब से छठे दिन, जिसको हम लोग बोलते हैं नामकरण संस्कार, नाम की विधि। तो छठे दिन हमें एक स्लिप चिपकाए दी गई, पंडरी ने पत्रा खोला, समय पूछा माता पिता से, हाँ जी आपके डीकरे का बाबा का बेबी का जन्म कितने समय पर हुआ था, कौन से दिन हुआ था। पत्रा खोला, जिसने सीखना हो पत्रा वो भी सिखा सकता हूं, वहां नक्षत्र और राशि की रखी होती है, समय लिखा हुआ होता है, कोई ज्ञान उनके पास नहीं है, केवल वो समय देखा नक्षत्र देखा राशि देखी बोल दिया जी इस शब्द पर नाम रख लो। अब मासियों को मामियों को रिलेशन में जो नाम पसंद आया वो लेबल उस दिन चिपकाया गया। छह दिन तक आज सोचिए हम क्या थे, झूठ का लेबल हमें देके बनाया गया और अब सारा जीवन हमारा उस झूठे नाम के लिए, थोड़ा थोड़ा बोलते रहोगे तो बड़े सहारा मिल जाएगा। हमारा जीवन किसके लिए बीत रहा है, शर्मा के लिए, दिल में सोच लो, अगर गलत पूछ रहा हूं तो कह दो नहीं गलत पूछ रहे हो, ये नाम दिया गया या के लेके आए थे, समझ है ना। तो फिर दिया हुआ नाम जो है वो तन का है, इस देह का है या जो अंदर असल हमारा स्वरूप है उसका है। तो हम झूठे रूप के पीछे लगे हैं या स्वरूप को पकड़ रहे हैं, बोलो बोलो, ये झूठा है, मिटना है इसमें कि नहीं। तो असल जो है उसका नाम क्या है, स्टार्टिंग हो रहा है ब्रह्म ज्ञान, जहां दुनिया के ज्ञान आपके थक जाते हैं वहां से ब्रह्म ज्ञान की एबीसी स्टार्ट होती है। ये स्टार्टिंग एबीसी है ना, सब बड़े बड़े पूजे जन बड़े बड़े बॉम्बे है, यहां तो बुद्धि जीव ही लोग रहते हैं, हम लोग सब बैठे, हमारे अंदर जो है उसका नाम यदि को बता दे तो बहुत आभार है, कोई जवाब नहीं। आइए वो जवाब, मैं कौन, देश नहीं, ये फाल्स है, जिस पर आज हमें बड़ा भरोसा है, जिसके नाम के हम बड़ी वाहवा और गुड़ियां चढ़ा रहे हैं, शोर चाहते लाखों बैज और टेगोमेंटो के लिए हम खर्च कर रहे हैं, शमशान घाट में सारे सातवां लकड़ी में दबा के राख कर दिया जाए, आंखों से देखते हैं, लेकिन इस झूठे मत का इतना नशा है कि आज वो दिन याद नहीं कि एक ना एक दिन जाना। और जो सारे जीवन में हमने इकट्ठा कर लिया है
इन में से एक सुई भी हमारे साथ जानी नहीं है, तो फिर फखर किसका है? मेरे पास 35 करोड़ डॉलर, जिस डॉलर ने काम आना है वो अभी एक भी कमाया नहीं। इस वास्ते कुछ थोड़ा सा सौभाग्य इस भारत की भूमि का, दूसरा सौभाग्य मनुष्य तन का, तीसरा सौभाग्य हमें हिंदू धर्म मिल गया, चौथा सौभाग्य वो कलयुग में मिल गया जिसके अंदर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद सुप्रीम ट्रुथ गॉड ने आना नहीं, आए हुए 350 साल वो है, पर हमें उसकी जरूरत। आओ अब वो हकीकत शुरू कहां से हुई, हां कौन है, ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन इसको बनाता है, कौन इसको मिटाता है, कहां पर वो रहता है, और फिर उससे आगे जो पूर्ण ब्रह्म है वो कहां पर है, और उसको हम कैसे पा सकते हैं, ये आज चर्चा शुरू होगी। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ करण मंगल करण धनेश देव चंद्रिनाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पदे श्री महाराज सुनाम, तेज कुमारी श्यामल पल पल करूं, चर्चा प्रारंभ होता है सुनो सब चित बे, भयो राज श्यामा श्री गारना सजीवन मारो, श्री मान कै साथ जी अब तुम सुनियो जितने सब जिया तुम यारी घर अवतार ना होए अन्ना पुरुष तो पहले ना कहो विचार देखो वचन जिन किन को धोखा रहे किन किन को धोखा रहे। आप पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षराती उत्तम पुरुष आखिर जमा इमाम मेहंदी सुप्रीम टूथगार श्री प्राणनाथ जी अपनी आत्माओं के लिए इस जगत में जिनके आने का कारण हुआ, आप वह इस जगत के हर मानव को बतला रहे हैं कि आज दिन तक पुरुष जो है इस संसार में आया नहीं, केवल माया के ही बनाने मिटाने वाले अवतार वैकुंठ से आते हैं और भक्तों के कार्य करके चले जाते हैं। पुरुष कौन? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एको पुरुषा सबे नार तह पुरुष का तनु विचार। वह एक पुरुष कौन है जिसको हमारी गीता में क्या कहा, पुरुष उत्तम का अध्याय 15वां स्कंद खोल के देखिए, अर्जुन ने कोजा वगैरह का स्वरूप दिखाया,
और क्यों दिखाना पड़ा? आखिर आगे भी तो इतने अवतार हुए और वो उन्होंने आगे भक्तों की कार्य सिद्ध किए, लेकिन किसी को व्यर्थ स्वरूप नहीं दिया। कारण क्या बना था उसके अंदर? कि अर्जुन जब घर से रथ लेकर के पहुंच गए युद्ध के अंदर, श्री कृष्ण जी सारथी हैं, चला रहे हैं, तो अर्जुन कहता है प्रभु कम कम शत्रुओं का मोर्चा कैसे लगा हुआ है, किस किस जगह पर किस किस को खड़ा किया है इन्होंने, जरा उसको देख लूं, मुझे आगे ले चलो। ले गए तो जाके देखा कि तीन मोर्चे ने तीनों पर तीन गुरुओं को खड़ा किया हुआ। ठीक है, भगवान को कहा भगवान रथ वापस ले चलिए, देख लिया। जैसे ही रथ पांडवों के खेमे में आया, अर्जुन नीचे उतरा, कहा भगवान ये लो सो संभालो अपना तीर कमान, मैं युद्ध नहीं कर सकता, आप युद्ध करवाने लाए हो तो मुझे नरकों में डालने के लिए लाए हो, मैं क्या करूंगे ऐसे युद्ध को, मुझे मिलने वाला क्या है, अपने गुरुओं का वध करूं और अपने वंश का नाश कर दूं तो मुझे मिलेगा क्या, हस्तिनापुर की नगरी मुझे नीचे जाओ। उतर गए, अब गीता का ज्ञान उतरा, नहीं तो कभी भी गीता ना उतर। अब ज्ञान की जरूरत है, जो भ्रांतियां आज हमारे सामने सुंदर साहब जी मेरे साथियों शरीर से पड़ी हुई है, अर्जुन को देखकर सगे संबंधी नजर आ रहे हैं, अब वैराग्य का स्वरूप दिखाकर उसने अपनी असल पहचान कराई, अर्जुन देख मेरे असल स्वरूप, क्योंकि संसार के नाते से अर्जुन पांडव वंश और यादव वंश ये मामा भाई के नाते से एक दूसरे को भाई मानते थे, देवकी नंदन हमारे भाई। जब अपना वैराग्य का स्वरूप दिखाया, देखा के देख अर्जुन जिनको तो गुरु कह रहा है, पूर्व जन्म के ही लेने देने के हिसाब से इसी तन के वास्ते दे रही है गुरु ने, इनके तन मिट जाने के बाद और तेरे मन तन मिटने के बाद कोई तेरा गुरु तेरे साथ जाने वाला नहीं, ना ही कोई गुरु तेरे साथ आया है, ना तुम किसी के वास्ते आए हो, ना तेरे लिए कोई आया है, फूले हुए हो। फिर बताया कि कितने जन्म तेरे हो रहे हैं, किस तरह से तू मर रहा है, सारा बैराग का स्वरूप जब दिखाया और फिर दिखाया कि अब तेरी फिर मौत होने वाली है, यहां अर्जुन काम जाता है, यहां अर्जुन कंपमान हो रहा है, बस भगवान ये मेरे से सहन नहीं होता, कृपया उसी स्वरूप में आ जाओ। आगे अब कहते बस मेरे सब संशय मिट गए हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, बस अब बार बार जो जानना और बार बार मनना है, बस ज्यादा गीता का उपदेश, बस इतना ही, थोड़ा 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 टच, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, कुल पांच भी है, इसलिए अब क्या कर दो, जो आज हमें याद में, जिसके लिए भागवत पुकार पुकार के हमें आगाह कर रही है, चेतन कर रही है, अलार्म बजा रही है, पर हम लोगों को वही चैप्टर खोल के बता दिए जाते हैं जो हमारे कानों को कान रस और मीठी मीठी बातें बता दे। सप्ताह के अंदर भागवत तो क्या चार श्लोकी जो चतुर्श्लोकी भागवत है उसका भी कोई अर्थ कर सकता नहीं, इतनी व्याख्या श्रीमद् भागवत की महिमा, और वो श्री तारतम के बिना, क्योंकि जब राजा परिषद ने बात पूछी तो गर्म पेंसिल जरा साथ लेकर तैयार रखोगे तो ठीक रहेगा, संशय मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत दसवां स्कंद 87वां अध्याय और श्लोक नंबर 29 जाके पढ़ी के बस राजा परिषद तू राजा, मैं योगी भया और कहने वाला बोलो तो भागवत कहने वाला कौन है, हम तो कह रहे हैं भागवत व्यास जी कह रहे, पहले तो यही भूल हो रही है हमारी, और वो खुद कहते हैं कहने वाला उठ के गया, तो कौन है कहने वाला,
तब क्या कहते हैं जो कह रहा था वो कलयुग में, तो वो श्लोक जिसका अर्थ मैंने बताया दसवां स्कंद सातवां अध्याय और 29 श्लोक जाके उसकी व्याख्या पढ़ो टीका जो गीता प्रसन्निक है या जहां से भी हुआ है कि वे पूर्ण ब्रह्म अक्षर अतीत अपनी आत्माओं के साथ कलयुग में आएंगे और अपने साथ तारतम ज्ञान लेकर के आएंगे, जिसके द्वारा वो तारतम ज्ञान क्या होगा जो गीता के अंदर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन दो शक्तियां हैं, एक अपरा और दूसरी अपरा। स्वयं वो कहते हैं कि मैं और ये मेरा सारा संसार जो है ये अपरा शक्ति का है जो बनती और मिट जाती है। जहां सुधी आ संसार के अंदर पराशक्ति नहीं आएगी, जहां सुधी मेरे सुंदर साहब जी मेरे साथियों पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप उसका धाम उनकी लीलाएं और उनसे मेरा संबंध क्या है कोई भी हमको समझा सकता नहीं, जिसके लिए लक्ष्मी जी ने भी 7 कल्पां तपस्या किया। तो अब वो समय आ गया जिसके अंदर आके स्वयं पार्वती इस बार फिर जो है पहली बार आए। अब उसकी चर्चा भी स्टार्ट कर रहा हूं और आपके अब पहचान करा रहे हैं कि जिन किन का धोखा है कि अब दुनिया के अंदर किसी का भी ना देख सिंगल बार कोई ये ना कहे कि अवतार कहां से आते जाते हैं और पूर्ण ब्रह्म कहां पर है। जहां से अवतार आते जाते हैं वो वैकुंठ के विष्णु भगवान 16 कला संपूर्ण आदि नारायण है, वैकुंठ से अवतार आते हैं। अब जरा थोड़ा थोड़ा जिगर थाम के बैठना क्योंकि अब वो चर्चा स्टार्ट होती है जो कभी सुनी ना होती। और आज हम सब बैठे और हिंदू लोग ही हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि आज हिंदू कोई भी अपने को हिंदू कहने के लिए तैयार है, संप्रदाय का नाम मिटा दिया और अब हम बन क्या गए जैन धर्म, सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, स्वाध्याय धर्म और इस तरह से सबने क्या लगा लिया धर्म। तो कृपया कोई बताएगा तो हिंदू को फिर हिंदू कौन है? हम तो स्वाध्याय वाले धर्म को योगेश्वर वाले को मानते, गीता का वाला धर्म है हमारा, रामायण का रामानंदी धर्म है, तो फिर हिंदू कौन है? हमने संप्रदाय का नाम हटा करके शायद धर्म अटैच कर लिया ना, ये सारे पंथ पहले शाखाएं हैं जिनको संप्रदाय कहा जाता है और धर्म सबका एक है, लेकिन उसको लोगों ने लुप्त कर दिया। केवल निजानंद संप्रदाय का धर्म हिंदू है और संप्रदाय हमारी निजानंद, उसके अंदर पार ब्रह्मक्षा तीत ने आकर के इस हिंदू तन को ही धारण किया, क्योंकि पहले लिखवा दिया था पुराण में बाइबल में और सब शास्त्रों के अंदर कि कल युग में जब पूर्ण ब्रह्म आएंगे, पहली बार भी आए कहीं दूसरी बार भी आए कहीं, अब उसकी व्याख्या चर्चा स्टार्ट होती है जिसको त्रिधा लीला कहते हैं। अंत में आएंगे जब पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप में जाहिर होंगे तो वो तन हिंदू का धारण करेंगे। हिंदुओं के अंदर 4 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, 4 बार वो आए। पहले नीचे से ही स्टार्ट किया आहिर जाति जो उसके समय में छोटी जाति कही जाती थी उड़ा है, उसके बाद ब्राह्मण परिवार में आए, अरब के अंदर घबराना नहीं लगा, जिसको मोहम्मद साहब कहते हैं और नाम सुन के हम घबरा जाते हैं। मोहम्मद इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी, मोहम्मद एक टाइटल मिला था
किसको? पंडित अब्दुल्ला के पुत्र मुस्तफा बेग को। पंडित परिवार के अंदर वो शक्ति आके बैठी। उसके बाद तीसरी बार मारवाड़ देश अमरकोट में मत तो मेहता जी के घर शूद्र बैठ गया और अंतिम स्वरूप उनका क्षत्रिय वंश के अंदर चारों वर्णों के अंदर आके अटके लीला। अब आओ सबसे पहले ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती थोड़े शब्दों में, यदि गुण विस्तार से लेना हो तो कल हमारा किताबों का स्टॉल छोटा सा बार टेबल पे लगवा देंगे, उसमें किताब है संसार एवं मेरा वार्ता प्रकृति से लेकर अंत बार ब्रह्म तक की पहचान आप उस किताब से मिलेगी। और सबसे बड़े ग्रंथों के प्रमाण जो आज हम लोग शायद जानते ही नहीं है, जिसको अमर कथा कहा गया था और विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी को पार ब्रह्म की या कसका ध्यान करते हो पहचान नहीं करा सके थे, वही ज्ञान विष्णु भगवान जी ने उमा को कहा, जिसको अमर कथा तो लोग कह देते हैं लेकिन सब इस असमंजस में ही पड़े रहे कि अमर कथा है कौन सी। उस ग्रंथ का नाम है महेश्वर तंत्र, लेकिन उसके स्टार्टिंग में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि पढ़ करके हम काम जाओगे। इसी कारण से जो है वो किताब हिंदुओं के शहर तने से लुप्त हो गई। 30 साल की खोज के बाद उस राजीव राय पार ब्रह्मशाती की कृपा से और हमारे सुंदर साथ श्री एस पी आर्य जो मुख्य सचिव है इस समय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, उनके सहयोग से वो ग्रंथ प्राप्त हुआ और उसको प्रेस में छपा के तैयार करवाया गया, वो भी आपको कल देखने को दर्शन करने को मिल सकेगा। ये प्रमाणों के साथ जो एक चीज हमारे सामने आए तो फिर उसको समझ लेना चाहिए कि जिसका प्रमाण गीता से, जिसका प्रमाण भागवत से, जिसका प्रमाण वेदों से, जिसका प्रमाण कुरान से, जिसका प्रमाण बाइबल से और जिसका प्रमाण गुरु ग्रंथ साहब की वाणी से आए तो फिर वो हकीकत में सबका परमात्मा है, या कि एक जाति का या एक परिवार या कुटुंब का। क्योंकि आज हमारे मंदिरों में बोला अवश्य जाता है, सब सनातन धर्म मंदिरों की सुबह आरती सुनिए, पुजारी जन आरती उतार रहे होते हैं, घंटी घड़ियाल बज रहा होता है, तुम हो एक अगोचर सबके। अब उसी प्राणपति का जयकारा बोलने में फिर दला क्यों खुश तो से प्राणनाथ प्रणामियों का जो समझ बैठे वो मगज से निकाल लो। प्राणनाथ किसको कहा जा रहा है? प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी। प्राणनाथ हमारे किसी गुरु का नाम नहीं है, प्राणनाथ किसी देवी देवता का नाम नहीं है। प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म सचरा नंद अक्षरा तीत एको ब्रह्म द्वितीय। अब जो उसको समझता हो कि भाई हाँ मेरा भी उससे कुछ है वो जाकर बोलो, और जो समझे भाई नहीं हमें उसकी कोई नोटी भी बोलना है क्योंकि उसको कष्ट नहीं देगी। ये उनके मुखारवे का ग्रंथ है। ये उनके मुखारवे का ग्रंथ है। और वो कह रहे हैं कि ऐ मेरे साथियों, इस संसार में हिंदू धर्म के अंदर समय समय पर आज नहीं जब से सृष्टि बनती है हर भक्तों पर आपत्ति आती है तो कोई ना कोई अवतार वैकुंठ से विष्णु भगवान का आता है और भक्तों का कार्य करके चला जाता है। हम हिंदू बैठे क्षमा करना पहले हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, आज हिंदू धर्म के काफी संख्या से ज्यादा लोगों की आस्था राम भगवान पर है। पूछना चाहता हूँ क्या वैकुंठ में राम है? तो देना पड़ेगा मेरे साथ साथ प्रकाश करके। हम राम का स्मरण कर रहे हैं ना,
क्या राम वैकुंठ में है? तो फिर आप स्मरण करके किसके पास जाना चाहते हैं? राम कोई वैकुंठ के दर नहीं। मैंने पहले क्षमाचारी द्वारा कलेजे थाम के बैठा, क्यों आज आपके सामने सत्य का सार खुलने जा रहा है। किसने खोला? किसी व्यक्ति ने नहीं, किसी धर्म गुरु ने नहीं, किसी संस्था ने नहीं, किसी देवी देवता के कहे हुए वचन नहीं है। ये वचन उसके है जो स्वयं पूर्ण, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, क्षमा करना। जिन किन को धोखा रहे के सूर्य रूपी ज्ञान के उदय हो जाने के बाद भी किसी को धोखा है तो कहते हैं फिर उस सूर्य उदय होने का अर्थ ही सबके धोखे मिट जाएंगे। अवतार जो आते जाते हैं वो वैकुंठ के विष्णु भगवान की तरह, जैसे जैसे उनके भक्तों पर संकट पड़ता है उतनी ही शक्ति के द्वारा सृष्टि में आके भक्तगणों की रक्षा के लिए रूप धारण करते हैं। लीला करने के बाद स्वयं वैकुंठ में जाते हैं और रूप का बोलो रूप वैकुंठ में नहीं जाता। राम एक उनका रूप है, स्वरूप नहीं। हमने रूप को पकड़ा कि स्वरूप को बोल तो नहीं, इतने दिनों से अगर गलती करते भी चले आ रहे हैं तो गलती को सुधारना पाप नहीं है। वैकुंठ में राम नहीं मिलेंगे, क्षमा करना। नहीं तो अभी अभी थोड़े दिनों के बाद बोर्ड मैंने पढ़े हैं, आने ही वाले हैं मुरारी बापू जी, उनसे एकांत में मिलके कह देना महाराज जरा रामायण में से वो श्लोक वो मंत्र जरा चुपैया निकाल दो कि वैकुंठ राम में रहते हैं। अगर नहीं रहते तो आप कथाएं किन की कर रहे हो? तो मेरी बड़ा कठिन है, चिंता मत करो। अमृत भाई जी बैठे, भागवत की कथा करने वाले द्वारा मैंने कोई नहीं देखे, डांगरे जी महाराज लाला स्वरूप का बाल को मानते थे, आंखों से रुदन आता था, कलेजे में एक दर्द था। बड़ौदा में भागवत को रेजी प्रश्न भेजा, भागवत खत्म होने के बाद हाथ जोड़ के उन्होंने कह दिया ये निजानंद संप्रदाय वाले किसी मेरे साथी ने प्रश्न भेजा है, इसका उत्तर मेरे पास। सुंदर साथ जी इसी तरह से कृष्ण नाम आज सबके पास है। कृष्ण प्रणामियों ने भी कृष्ण को अक्षातीत लिया, गीता वाले भी कृष्ण को मानते हैं, भागवत वाले भी कृष्ण को मानते हैं, गोकुलेश वाले भी जय श्री गोकुलेश श्री कृष्ण शरणम मम कहते, स्वाध्याय वाले भी श्री कृष्ण बोले पितरते। इस तरह से काफी और भी संप्रदाय हैं जो श्री कृष्ण को मानते हैं। ध्यान देना, कृष्ण को मानते हैं पर कृष्ण को पहचानते हैं। मैं थोड़ा डर डर के बोल रहा हूं कि कुछ गलती, क्योंकि पुण्य विद्वान ने पंडित ने पढ़ा लिखा भी नहीं, अनपढ़ सा एक कला मेहर उस प्राणनाथ की, इसलिए थोड़ा डरता हूं कि किसी का दिल। आज 80% हमारे हिंदू समाज कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने, नाम एक विधि होता है पर लीला तीन लीला है। कैसे दृष्टांत पहले दे दू, जरा सावधान, थोड़ा सा भारत की हिस्ट्री को लेकर याद करना। इंदिरा राज में चले ले चलता हूं आपको, 77 तक इंदिरा को एक नाज होता था, फॉरन में जाके क्या आवाहन करती थी, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। 77 में डिसाइड किया बार कृपा से क्या हो गया आप लोग सब जानते हो, नहीं तो थोड़ा सा तो याद इतना तो रखो कि शास्त्रों की बात कही जा रहा था, ये तो देश की और हम लोगों की आंखों की देखी हुई बात है। वही इंदिरा थी 77 में
जिसको नई दिल्ली में कोई रहने के लिए मकान भी बोलो तो भूल गए। 77 से 80 तक 3 साल तक इंदिरा का राज खत्म हो गया था कि नहीं? अरे बोलो तो खराब है, हो गया। नाम इंदिरा रहा के नाम बिंद्रा हो गया, नाम इंदिरा इंदिरा। और हशर क्या हो गया? कोई वकालत कोई वकील मिलता नहीं, रहने के लिए कोई मकान मिलता नहीं, नाम इंदिरा रहा, क्या निकल गया? क्या निकल गया? तो ये तो प्रैक्टिकल थिंग। सप्ताह सप्ताह निकल जाने के बाद क्या रह गया? रह तो इंदिरा गई, मकान मिलता नहीं। जो नाच से कहती थी आ इंडिया इंडिया इंदिरा, सबने कृष्ण का नाम पकड़ा है, स्वरूप को नहीं पकड़ा। और ये बात इसलिए स्टार्टिंग से चलाई है क्योंकि इससे नीचे और कोई स्टार्टिंग भी करते तो मेरे साथियों पीर के और पांच है, विषय बहुत लंबा है जिसको बांध कर संक्षिप्त से संक्षिप्त वर्णन करना पड़ रहा है। इस वास्ते जो है आइए पहले तो ये सारी सृष्टि क्या है, अवतार कैसे आते जाते हैं, फिर किसको बनाने वाला कौन है, और ये बनती कहां से है और दिखाई कहां जा रही है। तो फिर क्या जो बनाने वाला है वो परमात्मा है ना? जो इसको बना और मिटा रखा है वो भी परमात्मा है। और फिर उससे आगे वो पूर्ण ब्रह्म कहां पर है, ये थोड़ा सा यही पर बैठे बैठे कैसे? सारे ग्रंथ क्या कहते हैं कि ये संसार जिसमें आज हम बैठे हैं ये मिथ्या है, ब्रह्म सत्य बोलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ये हमारे वेद कहते हैं। और गीता क्या कहती है? जो वेदों ने कहा कोई ग्रंथों में भेद है ही नहीं, ये तो लोगों ने अपना अपना बांट लिया, फिर तो ग्रंथों के टुकड़े करके जुदा जुदा रास्ते बना दिए। साथ ही प्राणनाथ जी ने आके कहा कि ना भाई, शास्त्र ले चले सतगुरु सोई और सकल वाणी को एक अर्थ। ये काम पार ब्रह्म की पहचान है कि वो जब दुनिया में आएंगे तो अपने ज्ञान के द्वारा क्या करेंगे, वननेस। सारे ग्रंथों की भटकना को हटा करके हर मानव को एकीकरण करके एक परमात्मा की जो पहचान कराएगा वही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद होगा। अब उन्होंने आकर के ग्रंथों के हिसाब से जो वाणी ग्रंथों में कही है मूल वेदों से पकड़ा के ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। अब आओगा वही गीता के अंदर कहा के है अर्जुन सर्वाणी भूतानी, संक्षिप्त में कह रहा हूं क्योंकि ज्यादा समय फिर यदि कभी आप दोगे वो तो फिर की बात है। सर्वाणी भूतानी सर्व व्यापक कण कण के अंदर जो है वो क्या है? मेरा ही स्वरूप है। ध्यान देना, खोलिए गीता कि मेरा ही कण कण के अंदर जो है रूप बैठा हुआ है और मैं स्वयं जन्मता और मरता, और हे अर्जुन मैं स्वयं जीव हूं, आत्म नहीं मेरे अंदर। गीता का कितना ऊंचा ज्ञान है लेकिन कभी किसी ने यह सुनाया विषय? क्या कभी हमें बताया किसी ने? क्योंकि भगवान ने जब स्वयं कह दिया मैं आत्मा नहीं मैं स्वयं जीव हूं, और मेरी ऐसा तो गीता में नहीं लिखा, श्लोक लिख लो मोबाइल अंशो सारे बड़े लिखे बैठे हो, कोई ऐसा कठिन नहीं है श्लोक। ममैव अंशो मेरा ही अंश, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, जब से सृष्टि बनी है और जब तक रहेगी सब प्राणी मात्र के अंदर मेरा ही अंश है, मैं ही कण कण के अंदर हूं। जो क्या है? क्षरा नाशवान। और हम क्या समझ बैठे हैं? कण कण में पार ब्रह्म। गीता से शम से मिटा दो कि जो कण कण में है वो पूर्ण ब्रह्म
सेवा आपकी सहयोग देने आपके इस प्यार से सहयोग से आशा करता हूँ कि थोड़ा बोलने का साहस बना आपके आशीर्वाद बोले ब्राह्मण जन्मता और मैं बोलते डर थोड़ा सा हाथ जोड़ के बनती है कोई ऐसा वो क्या करना जिसको पूर्ण मन कहते हैं वो ना जन्मता और हम उनकी जयंतियां मनाएं और मरने का उपवास रखें तो गलत करते हैं कि ठीक बात तो दे रहे भाई खुल के बहुत बात देने में क्या है गलत करते हैं कि ठीक आप करो अपनी मर्जी से मना नहीं करने आए ना 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 मना करने का मतलब हम सबको परमात्मा ने बुद्धि दी है जो 84 लाख योनियों को नहीं दी एक इंसान क्यों मनुष्यता को इतना उत्तम कहा गया है कुत्तों को देखो तो कितने वफादार होते हैं घोड़े को देखो कितना वफादार होता है मानव जैसा गद्दार जीव फिर भी उत्तम से उत्तम क्यों क्योंकि इसको परमात्मा ने वो बुद्धि दी है विवेकशील शक्ति ब्रेन थिंकिंग पावर दी है जो बाकी योनियों को प्राप्त अब उसको भाई चाहे माया पटोरने के लिए छल से कपट से झूठ से समग्रन से उस तरफ लगा लो और चाहे उस तरफ वापर लो कि जो अर्जुन ने कहा था मुझे जन्म और मरण से छुड़ा के भर से धर्म यहां संस्थाएं जितनी संप्रदाय है सब ठीक एक चीज आज नियम पहले बांध लो कि जो धर्म का प्रवक्ता किसी ग्रंथ की किसी धर्म की किसी गुरु की निंदा करता है और ये कहता है वहां नहीं जाना यहां नहीं जाना तो समय इतना ही देना कि इसको सत्य की अवखान अब उन्होंने क्या आके कहा कि ऐ सुंदर साहब जी घबराना नहीं मेरे साथियों बाजार में जितनी दुकानें ज्यादा खुलेगी घबराओ नहीं उतना कंपटीशन होगा और माल अपने को सस्ता भी मिलेगा और खराब भी मिलेगा तो ज्यादा दुकानें चाहिए कि थोड़ी हाँ तो धर्म ज्यादा हो गया तो घबरा की क्या बात है और ज्यादा हो जाने चाहिए पर खरा जो ये छे खरीदार अगर हम खरीदार ही खोटे हैं हमको खबर ही नहीं है कि ये मनुष्य मिला किसके लिए है तो दोष ग्रंथों का नहीं दोष संप्रदाय का नहीं दोष गुरुओं का नहीं है हमें जो गुरुओं से लेना चाहिए वो हम उनसे कभी लेते नहीं तो उनको क्या जरूरत है कष्ट करें वो चीज कमा के ना हमें क्या चाहिए गुरुजी गुरुजी ने पगन पधरावणी और भेंट आशीर्वाद और थैंक यू ना ये हमारी एक लालसा है ये हमारा लक्ष्य नहीं ये हमारी एक लालसा बनी हुई है हर संप्रदाय के अंदर किसी एक का नाम नहीं किसके अंदर ये नहीं कि यहां हर संप्रदाय के अंदर अवश्य स्वामी जी ने भी कहा है गुरु के बिना कोई फांसे पार कर नहीं सकता यदि मृग तृष्णा से दिशा लाए तो तब जीव गुरु बिना पार करे गुरु के बिना कभी कोई फांसे पार नहीं हो सकता पर गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन तुम सतगुर दीपक भय जो कियो सो आप समान अब सतगुरु का तो शब्द सबने सुन लिया भाई ये सब शब्द सबसे हाई क्लास का है तो हर एक ने अपने गुरु के साथ क्या लगा लिया सतगुरु और सांचा दरबार सुन लिया तो हर एक के सत्संग में चले जाओ चाहे माता का दरबार है चाहे हनुमान जी का दरबार है चाहे किसी भी धर्म की संस्था है बोलो सांचे दरबार की सब सांचा दरबार बोलेंगे लेकिन ये पता नहीं वो सांचा दरबार है गुरु कंचन
कंचन के समान हमें निर्मल करके श्रृंगार बना सकता है, गुरु अपने समान नहीं बनाता। कंचन गुरु आशीर्वाद देता है, पगे हम उनके ले आते हैं, पधरावनी कराते हैं, सब कुछ चरणों में भेंट करते हैं। क्या गुरु कभी जब आते हैं किसी गुरु को भी निर्माण करके जाते हैं कि चेले बनाते हैं? बोलो बोलो, गुरु तो गुरु नहीं बनाता, क्योंकि गुरु तो ये सहन भी नहीं कर सकता कि मेरा चेला किसी और की चर्चा सुने। पहले रोके बोले जाता उधर जाना फिर रोटा, फिर क्योंकि उसकी दुकान गंदन। क्षमा रखना, किसी व्यक्ति के नाम से कुछ मतलब नहीं। रास्ते जो आज हमारे और आपके जीवन के अंदर आ रही है चीजें, क्यों भारे वचन छेधार समय कहते निश्चय करके जो मैं वहीं प्रधान की लाया हूं, इसका वजन हर एक नहीं उठा सकेगा। पर साथ कर से जो ना कहो सतन सार तो साथ पाप से पाप से पाप तुम्हें कौन करेगा? कौन तुम्हें जन्म और मरण से छुड़ा करके सदा सदा के दुखों से बचा देगा? क्योंकि यहां गरीब की दुश्मनता है कि प्रभु किसी तरह खाने को दे दे, किसी तरह बच्चे दे दे, किसी तरह पालन दे दे। उनको कोई परमात्मा नहीं चाहिए, उनको पेट की भूख मिटाने वाला गुरु चाहिए और पेट की भूख मिटाने वाला परमात्मा चाहिए। और जिनको अच्छा कुछ मिल गया है कहता है बस प्रभु अगले जन्म भी मुश्किल दे देना, मैं तेरी सेवा करता रहूं और मैं इस तरह से करता रहूं। पर मेरे साथियों किसी के पास गारंटी कार्ड है कि हमको अगले जन्म में मनुष्यता मिलेगी? अगर है तो मेरे को भी एक ला दो, मैं भी चक्कर से बाहर। बड़ा दुखी करता है ये चक्कर, मार भी पड़वाता है, घर वाले भी धकेलते हैं, बाहर वाला कोई रखता नहीं, सबसे बुरा ठंडा है। पर दर्द कुछ और होता है, दर्द जो होता है उसको कौन पहचाने? दर्दी दर्दा जाने। एक किसी बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, पग गया, टूट खून रहा है, निकल चिल्ला रहा है, रे मर्दा मुझे बताओ। वहां से एक कवि निकला, कवि ने उसके दर्द को सुना और राइटिंग में कर दिया, मैंने एक दर्दी देखा रो रहा था गा रहा था, मगर उसकी आवाज थी आंसू बहा रहा था। क्या भाई उस दर्द की पहचान गाने वाले को पता चली? उस दर्द वाले को क्या कविता वाले को पता चला? उस दर्द की पहचान तो उसको है जिसकी टांग, अभी जिसके दिल में अभी वो दर्द ही नहीं लगा। तो सुबह हमारे एक महानुभाव जिनकी कृपा से ये सब कुछ हो रहा है कहने लगे, महाराज जी आप कई बार तर्क हो जाते हैं तो जो सो जाता है चर्चा में, इधर तो नहीं रतनपुरी में हम उनको खड़ा कर देते हैं, तो ये यहाँ ना वापरना। मैं गांव में चर्चा ही ऐसी सुनाई एक वो सोए, मैंने तो अभी तक नहीं देखा भी कुछ सो रहा हो, सबको जागृत होके सोए। तो ये बात डॉक्टर को पता होता है, टेबलेट दे के ठीक करना है कि मिक्सचर दे के ठीक करना है, या इंजेक्शन लेके ठीक करना है, या ऑपरेशन थिएटर में डालना है। अभी आज टेबलेट वाला काम है, वो ऑपरेशन थिएटर वाला होता है कई बार। तो आइए जरा आगे चलें, ये जगत मिथ्या, आंखों से देख रहे हैं, ध्यान दो बस अब और शार्प करता हूं, आंखों से देख रहे हैं, चलो ज्ञान बुद्धि काम नहीं करती, कि जिसकी यहां उत्पत्ति है उसका नाश अवश्य है, अवश्य है और अवश्य है। इसी तरह से मेरे साथियों ये देवी देव आज अदरा अब आगे बढ़े, तब देवा की भी संसार में उत्पत्ति होती है, और अब जिसकी उत्पत्ति होती है, अब मुंह से बोलना पड़ेगा, उसका लय होगा कि नहीं? यदि हम उनको ही भगवान मान लिया तो क्या वो हमें भव से पार कर देंगे?
अब ये विचार मैं नहीं कह रहा, ये ना कह रहा जो कहते थे देवी देवता को परमात्मा ना, मैंने नहीं कहा एक बार नोट करते रहो, बता रहा क्या उनको परमात्मा मानना चाहिए जो जन्मते और स्वयं मरते हैं, जिनकी उत्पत्ति होती है और उनका लय होगा, ये यहाँ का विधान है प्रकृति का। बोलो ट्रैगन की उत्पत्ति हुई कि नहीं, मुझसे बोलो बाबा क्यों है कुछ ही नहीं रहा से, अरे बाबा उसी को परमात्मा मन करने छुड़ाने के लिए नहीं आया, जिसकी उत्पत्ति है उसका लय होगा कि नहीं, तदेवा की उत्पत्ति हुई कि नहीं, उसको हम परमात्मा मानते मानते तो मैं मना क्यों, क्यों क्यों होंगे कौ? मानते डर किस बात के, डर मेरी बात है, हाँ जी मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्योंकि वो हमको बोलो बाबा देते हैं, बीवी देते हैं, बंगला देते हैं, कोठी देते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं, इसलिए जो है अब जो माया के जीव की बुद्धि लेकर के बैठे हैं उनको समझाने पर भी ये नहीं समझ आ गई। अब तो ग्रंथ एक ग्रंथ तो झूठा हो सकता है, सब तो नहीं हो सकते, हर ग्रंथ हमारे हिंदुओं का ये साक्षी दे रहा है कि ये मनुष्य तन जो हमको मिला है, जिन कर्मों के आज आशा और तमन्ना लगा के बैठे, और कभी हनुमान ने भी राम से कहा था मेरा बार बार जन्म हो और मैं तुम्हारा दास बनूं, हाँ वो ग्रंथी केवल हनुमान को मिल सकती है और मिली है, क्योंकि हनुमान कौन है, विष्णु भगवान की चार कला का संपूर्ण नारद का स्वरूप है, इस वास्ते वो तो सदा उनका बन सकता है, लेकिन हमें कर्मों के बोलिए हिसाब से ही सब कुछ मिलता है। आप गीता के पन्नों को खोल के देखो जरा क्या बता रहा है, ये ग्रंथ हमारे लिए है हमें रोशनी दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, ये जो मनुष्य मिलता है कब मिलता है उठाइए बात, 84 लाख बार आप ध्यान देना, जब एक जीव उत्तम से उत्तम कर्म कर लेता है और फिर उसका उत्तम से उत्तम फल मिलता है जिसके बाद कोई सुपीरियर चीज नहीं रह जाती, तो क्या है ये मनुष्य है। और फिर यदि हमारी अभिलाषा हो गई, अब ध्यान देना ये कर्म मिला जब इसके बाद कोई कर्म पेंडिंग में नहीं रहा और कोई फल भी उत्तम से उत्तम नहीं रहा बाकी, तब ये मिला। अब यहां आके हम फिर भटक गए, यदि अच्छा बंगला अच्छी समृद्धि वाले हो गए भगवान बस मनुष्य ले लेना, क्या करोगे भाई मनुष्य लेके क्या करोगे, मनुष्यतम मिला है केवल भाव सागर से पार होने के लिए कि अब दोबारा जन्म और मरण ना हो। तो मेरे साथियों उसको ढूंढ लो जो हमें कर्मों से छुड़ा दे, और ये त्रिदेवा आदि नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश कर्मों से आगे का फल दे सकते तो वो कौन है खोली जो हमें कर्म बंधनों से छुड़ा दे, हमारे खोटे कर्मों को भी ना देखे और माफ कर दे, तो वो गीता के कहने वाला स्वयं कहता है मैं नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा, यदा यदा ही कर्मस्य गला नर्भावति भारत आऊंगा तो क्या करूंगा, परित्राण आए और विनाश आए। सुन लिया, रामा सागर जी ने बड़े प्यार के साथ हमारे सामने ये मंच पर हमारे आंखों को लुभाने वाली टीवियों पर ले आए और ये हमने सुन लिया और समझ लिया। तो ये बताओ किस ग्रंथ में ये लिखा है कि परमात्मा दुष्टों का नहीं, वो ग्रंथ भी तो आकर कोई होना चाहिए, क्योंकि ग्रंथ तो पुकार के कहते हैं परमात्मा सबका, बोलते चलो भाई सहयोग देते चलो भाई, इतना तो मैंने आपसे मांगा है परमात्मा सबका, तो सब के अंदर दुष्ट आते हैं कड़ी, तो क्या ये दुष्टों को माफ कर सकते हैं। 16 कला संपूर्ण खड़े हैं आदि नारायण कृष्णा कहते मैं नहीं कर सकता, मैं तो दुष्टों का नाश करूंगा,
तो आज हम अपने अपने मन में सोचें, भले हम प्रणामी हैं या सनातनी हैं या कोई भी जो भी बैठे, बाहर ही तो हम अपने कर्मों को छुपाते फिरते हैं, अंदर क्या करते हैं उसकी लिस्ट को कभी उगाड़ा है? आज बैठे बैठे कुर्सियों पर उगाड़ के देखो, मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर जब स्पेशल ट्रेन में चलते हैं तो वेज खाते हैं कि नॉन वेज? छुपे से अंदर बोलना नहीं। अब उन लिस्टों का भी टोटल लगा के देखो, हमारे कर्म खरे हैं कि खोटे? पैसे वालों के कर्म खोटे भी पैसे की छाया में छुपे हुए थे, लेकिन उसको कोई धोखा दे सकता धनी न जाए। सुंदर सांत जी, आज हम अपने को समझ बैठे हैं बड़े भक्त हैं, नहीं 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 नहीं, पल पल पर ना जाने हमारे से क्या क्या खोटे कर्म हो रहे हैं, ये हम नहीं ना जान रहे, ये तो कंप्यूटर बताता है। जब यम के दूध सामने जाके खड़ा कर देते हैं तो लिस्ट हमारे सामने होती है। साथियों आओ, तो ये वो आ गया कलयुग, जिसके अंदर वो आ गया है जो सबके खोटे कर्मों को माफ करने की शक्ति रखता है, जो पूर्ण ब्रह्म है। और आज जितने भी मेरे सज्जन बैठे हुए, जाइए अपने गुरुजनों से जरा कंसल्टेशन कीजिए, क्या ये वो 28वां कलयुग है या नहीं? लेकिन थोड़ा सा हम बदल कहां जाते हैं, क्यों लोग कहते हैं भाई शास्त्रों में क्या लिखा है कि कलयुग का जब अंतिम चरण आएगा तब पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आएंगे, और अभी तो फक्त 5,500 ही साल हुए हैं, इसलिए कलयुग की आयु तो 432,000 के कान मूर्ख कहते हैं अभी पूर्ण ब्रह्म आगे अभी दूर है। तो स्वामी जी कहते हैं भाई, जहां कलयुग की आयु वृद्धा लिखी है वहां ध्यान देना, सतयुग की आयु कभी नहीं कटती, त्रेता की नहीं कटती, द्वापर की नहीं कटती, पर कलयुग की कट जाती। तब एक सूर्य ग्रहण लगता है तो 125 वर्ष की आयु बढ़ जाती है। जब पूर्ण ब्रह्म प्राण जी धरती पे आए तो केवल 5,000 साल ही उनकी जो है बाकी आयु थी, 500, और बाकी सतत होगी थी पापों के सूर्य ग्रहण के द्वारा। तो ये भी लिखा है कि यदि एक भाई अपनी बहन या अपना एक पिता कन्या के साथ व्यभिचार करता है तो उस दिन उसकी पूरी ही लाइफ कलयुग की नष्ट हो जाती है, और इसके बाद कहने की जरूरत तो नहीं बच जाती कि कलयुग की आयु रह गई या खत्म हो गई। ये भी जो अब चल रहा है ना फिर, ये तो मानो किसी दिन कोई कत्ल का मुकदमा हो और कोर्ट का टाइम 5 बजे तक हो और वकीलों की जेल चल रही हो तो सुप्रीम कोर्ट में फिर 5 नहीं बजते डिस्कशन में, वो केस चलता है तो 6 भी बज जाते। ये तो स्पेशल थोड़ा सा टाइम रख दिया गया है कलयुग की आयु खत्म हो चुकी है, ताकि कोई दुनिया में बाकी ये ना रह जाए जो ये कह दे कि प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए तो थे पर हमको किसी ने उसकी पहचान नहीं कराई। मेरे साथियों, ये वैकुंठ से जो अवतार आते हैं ना, वो भक्तों के कार्य सिद्ध करने पर तपस्या करने से आते हैं, लेकिन पूर्ण ब्रह्म कभी किसी की तपस्या करने से ना आए हैं, ना आते हैं, और ना कभी आएंगे। अब चलिए जरा, वो पूर्ण ब्रह्म है कहां और वो आते क्यों नहीं, ये लेके फिर उनको ले भी आते हैं। ये सारा ब्रह्मांड क्या है? शक्ता। 3 पुरुषों का वर्णन हमारी गीता में, भागवत में, वेदों में, शास्त्रों में, कुरान में, बाइबल में, सब ग्रंथ में कहा है, क्षर अक्षर हरे अक्षर तीन। और वही 3 बातें कुरान के अंदर, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म जो आएगा वो सबको एक करेगा के जुदा जुदा फाके बनाएगा, और यहाँ नया धर्म, नया गुरु, नया रास्ता, नया बखेड़ा, रोज डेली सूर्य निकलेगा, एक दादा जी नया आ जाते हैं, बहुत खुशी की बात है। एक और शाम खुल गया और कंपटीशन में माल पूरा टिकेगा, किसी का खंडन नहीं।
एक नियम बताया, यदि सत्य की खोज करनी है किसी भी धर्म की निंदा करनी, बोलो नहीं, किसी ग्रंथ की निंदा करनी नहीं, किसी गुरु की निंदा करनी नहीं, हमें तो उसकी खोज करनी है जो हमें भव सागर से, बस अब आइए। और फिर प्रमाण क्या दे रखे, पार ब्रह्म अक्षरातीत आवे या अक्षर ब्रह्म की शक्ति आवे या वैकुंठ से अवतार इस धरती पर आएंगे तो आकर के मनुष्य तन को ही धारण करेंगे, पहचान करना हमारा काम। ये सारा विमान क्षर पुरुष का है, बनता और मिटता है। अब ध्यान देना, सपने के अंदर किस तरह यह दुनिया बनती है जिसको मिथ्या कहा है, और कबीर जी कहते हैं जगत सपना, यहां कोई नहीं। आइए जरा ध्यान के साथ सावधान, हम बॉम्बे में रात को सोते हैं, इस संसार का नक्शा आपके सामने खेच रहा हूं कि ये क्या है, हम कहां सोए, बोलो बोलो, बॉम्बे में। और हमारा बिजनेस है कलकत्ता में, या किसी कारणवश हमने फैक्ट्री बनाई है और कलकत्ता से जाकर के कोई पावर इंजन खरीद रहा है, या कोई और बहाने से जाना है, हमारी रिजर्वेशन हो गई। इधर क्या होता है कि अब 3 कलाक बाकी है ट्रेन को पकड़ने के लिए, तो मेरी सिस्टर जो है वो पीछे बड़ौदा में रहती है, उसने एकदम मुझे जो है टंकार करके फोन से कहा, भाई साहब मेरी भी टिकट जो है वो हुई तो है कलकत्ता की, पर कल चलेंगे, मुझे छोड़ के आप नहीं जाना, प्लेन जैसे भी है कल चलेंगे। अब भाई है बहन को मना तो कर सकता नहीं, पर अंदर ही अंदर बोलो बोलो भाई लोगों सत्यानाश कर रखा, कितना हमारा अन्य फर्क है, अच्छा रहेंगे वेट करना, मुसा भी करा है, बोल भी नहीं सकता, मजबूर हो गया। ध्यान देना प्लीज, चिंतन किसका लगा हुआ है, बोलो 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 बोलो, कलकत्ता का, उसी ने खा पी के आप सो गए, सो गए कि नहीं सो गए, मन कभी नहीं सोता। ध्यान देना, जो कभी नहीं सुना होगा ब्राह्मणा जी की बारी बता दे, सारा शरीर बुद्धि भी चित्त भी सब शांत परी, मन नहीं सोता, मन क्या करता है कलकत्ते जाता है, उसको चैन नहीं आता, वो क्या करेगा, उसने एक नया तन किसमें, सपने में या कहीं और, पहले नींद आती है कि सपना, बता देना शायद किसको पहले सपना आ जाता, पहले नींद आती है कि सपना, नींद, सपना कहां से निकला, नींद में से कि नींद सपने में से, ये संसार क्या है सपना, ये कहां से निकला, नींद कहां, कहते हो नहीं सबको आती है कि नहीं, बोलो सबको नींद आती है कि नहीं, कैसी होती है, आती सबको है, अरे भाई कैसी होती है, अब जब यहां तक के नहीं पता हमें तो बताओ चलना हम पार, नींद जब आती है तो ऐसी जैसी वो होती है हमको भी वैसा बना लेती है, वो बेसुधी अज्ञानता होती है और हमारी दशा भी अज्ञानता की बना के पटक देती है, वो नींद होती है, जो हमारे होश और हवास को घूम करके बेसुधी कर देती है वो नींद है। अब बाकी सब कुछ है, मन उठा नया स्वरूप धारण किया किसने, सपने में, तो मन हमारा वैसे शरीर के अंदर है कि नहीं, कि वो तो नहीं निकला ना, तन में से मन नहीं निकलेगा, लेकिन संकल्प और विकल्पों की एक नई दुनिया बना देगा, उसको कहते हैं सपना। तो सपना कहां से स्टार्ट हुआ, मन से। अब सहयोग क्यों देता है चित, जब चेतन दाई उसके अंदर आएगा, मन प्लीज, मन उठा तो हमारे सपने के अंदर मन हमारे जैसा ही रूप धारण करता है या किसी और का रूप बनाता है, बोलिए बोलिए, हमारा जो सपना होगा तो मेरा मन मेरे जैसा ही तो तन धारण करेगा या कोई और करेगा, सुनो बुरा ना मानना, कहोगे अच्छे महाराज इन्होंने बुलवा बुलवा के थका दिया है,
बोलने से एक तो ध्यान इधर रहेगा और दूसरा नींद नहीं आएगी, इसलिए बुधवारा और कोई बात नहीं है। अब मन मन ने नया तन धारण किया कि नहीं, वो जाके अटैची उठाता है, वही सेम अटैची उठाएगा कि नहीं उठाएगा। सपने में अटैची उठा के चला, पहले उठाया रिक्शा मिली। हमारे यहाँ गवर्नमेंट हजारों साल लगा देती है, कोई फैक्ट्री नहीं बना सकती, स्टेशन के बनाने का उसके जो है उसी में लगे रहते हैं बनाने में ही। एक मिनट के अंदर थ्री व्हीलर आ गया, टैक्सी ली, स्टेशन चला गया, नया शहर स्टेशन बना, होता है कि नहीं, हो गया, फर्क से गाड़ी आ गई कि नहीं। उसमें उसी कोर्ट में जाकर देखता कौन से एफओज, हाँ S6 में ठीक है, 47 नंबर है, फर्क से जाके बैठ जाता है। उसको किसने बताया था कि तेरी ये सीट नंबर, जाके बैठा, गाड़ी चलेगी, कलकत्ता चला गया। अब रात खान के साथ साथ हम एक प्रश्न पूछूंगा, कलकत्ते पहुंचा तो नया कलकत्ता उसने बनाया कि नहीं, उस कलकत्ते में नए कितने आदमी बनाए कि नहीं। बराबर, आप ध्यान देना जरा साधारण होके, या मैं आपको भेद बता रहा हूं जीव और आत्मा का अंतर क्या है। क्योंकि यदि यहाँ जितने भी मेरे साथी सदन बैठे, यदि हम इतना शब्द किसी को कह देंगे भाई तेरे अंदर तो आत्मा नहीं है, कहेगा चल मरा चल चल आ गया, आया बड़ा ज्ञान सुनाने के लिए। अगर हमारे अंदर आत्मा नहीं है तो फिर हम जिंदा बोलो बोलो बोलने में रहेगा, हमें जिंदा कैसे है। मेरे साथियों आत्मा जिंदा की बात नहीं, जिंदा तो हमारा जीव है। जीव ने यह तन धारण किया है, गर्भ में जाकर जीव इस तन को लेके आया है। आत्मा न जन्मती है और न मरती है। अब हमें कैसे पता चलता है कि जीव है कि आत्मा है, ना कमान। अब वो चला गया कलकत्ते, ध्यान दो प्लीज, थोड़ा इधर ध्यान दो। ये वो सार है जो व्यासी राजा परीक्षित को नहीं बता सके, ये वो सार है जो विष्णु भगवान दक्षिणी को नहीं बता सके, ये वो सार है जो आज दिन तक दुनिया के अंदर कोई तीर्थंकर, कोई अवतार, कोई देवी देव, कोई ग्रंथ इसकी व्याख्या नहीं कर सका कि जीव और आत्मा के अंदर अंतर क्या है। What is the difference between जीव एंड आत्मा, ये वो ला करके बताया है जो कुल ब्रह्म है, जिसने कहा किसी का कोई धोखा नहीं है। सत्य के पैर खोल के बता दूंगा दुनिया वालों, हम कौन हो और किसको पकड़ के बैठे हो। जिसको पकड़ रखा है वो मिथ्या है और वो कभी भी तुमको भाव से पार कर सकता। चलिए कलकत्ता चले गए आप सपने में, अब वहां सब सामान खरीद लिया, सब कुछ अपने कर लिया, ध्यान प्लीज, वहां कोई आदमी सज्जन आपको मिले, जब आपकी परचेजिंग हो रही थी तो उसने इंट्रोडक्शन किया, कहने जी आप असल ठिकाना आपका कहां है, क्या सपने वाले तन को जो हमारा असल तन बॉम्बे में सो रहा है उसकी सुध है नहीं, नहीं। तो ये सब तन को क्या पता कि हमारा असल ठिकाना अगर है तो बताइए हम कौन, कहां से आए हैं, हमें यहां क्यों भेजा गया है, और मरने के बाद हमने जाना कहां। ये खबर लग गई है तो समझ लेना मनुष्यता की कीमत पूरी हो गई। और यदि ये पता नहीं चला कि मैं कौन, कहां से आया और कहां है मेरा मकान, तो समझ लेना अभी मनुष्यता प्राप्त नहीं। Then there is no difference between man and animal. अब यदि हमने सुंदर बगरे मार लिए, कार्य बना ली, संतान पैदा कर ली, तो कौन सी खूबसूरती कर, हम तो आज एक या दो बना के बस कर देती हूँ सुबह, जैसे एक एक महीने के दो तो 10 महीने में 8-10 बच्चे पैदा कर, कोई बड़ी बहादुरी नहीं। फिर क्या उनके बनी पशु ऐसे संगले दो दिन के बाद नए पक्षे टीम से आप आ जाते, मैंने सर्दी के दर्द तीन कर दी, फिर आप बचा बचा दो तीन दिन में टीवी में दिखाया जा रहा वीजा लेने के फ्री करना गाड़ी कर ली सभी बहादुरी पक्षी अच्छे फिर इतने बदल चाहिए किराए के आधार पर उनको नुकसान के अगर ट्रिप पर की जरूरत पड़ा से पड़े काम कर सकते बच्चे का हम खा रहे हैं हम तो 40 ये बात है ठीक है।
और वो फ्री में थे तो उड़ते जा बीटे भले फर्स्ट डटे हमको पैर क्या स्वप्न में सिद्धांत की करता है उसके स्वप्न नहीं हमारे ध्यान हमेशा आता है निर्गुण डिफरेंस बिटवीन ये स्वप्न की गायत्री है जो चार वेद लेके बैठी है
और जो असल गैंट्रीज उसके अंदर है वहां पांच मिले। तब कल आएगा सावधान अथर्व वेद के पुरुषों तुम दुनिया का तो अन्न क्या सजा शुरू आएगा जिस ग्रहण के आपके सामने जो पानिया में जब जाते छुपे रहस्यों को जिसमें पार इसमें आकर के स्वयं पार रंग खोले वो इस संसार को कौन रहे अब्बा लेकर ये न कहना बताया संसार अपने अपने तौर मानना चित्त बनता और है कभी ना भूले कहना की अक्षर ब्रह्म आप छुपे रहता है योग में तो सब ध्यान देता है देता है एक बार के से देना जन्मे थे ये सुन रहे थे वहां बन गई अभी बीता कहिए तो उस टाइम देखो अब आगे चलिए सब लिख सके क्या है और सतरूप है ब्रह्म आनंद ये क्या आ गया परम इस पक्ष में जब तत्व सबका रूप सबका एक सबका एक बबीला सकी एक और रस सब में एक ही उस पद की पहचान क्या है कि वो सत आनंद इससे पहले उन कृपा होती है तो खुद में भक्ति की हनुमान जी उसके बाद राम के हक में संतुष्टि क्योंकि राम भगवान की ही जैसे हमते बाल रंग को खोल के जो भाई नंबर भी पड़े तो लक्ष्मण को कर देते हैं तुम मुझे बाल प्रभु भाई मैं बाल ब्रह्म नहीं हूँ लक्ष्मण बाल ब्रह्म क्या हूँ मन से छूट के बाद से राम कहते बहुत बढ़िया तुमने अगर मुझे ज्ञान तुम्हें मृत लोक में ना आता मैं वैकुंठ से बड़ी सुने जा रहा दिल खोल लेना कि हमने दुनिया ही स्वर्ग बनाकर अपना हीरा जन्म जो है मट्टी का साथियों वहां पर आत्माएं थे क्यों आगे किसको जो बाल कभी भी कहा हो नहीं सकते बाल परमात्मा से ना हो नहीं सकते और यहाँ के भगवान के भक्तों के साथ ही रेण भरत यहाँ पर और भगवान बैठे समझ आई कि ये भगवान है और हम उन्हें अगर कभी उनको याद करना पड़ता है कभी तपस्या करनी पड़ती है आने के लिए योग साधना योग चक्र शोधन नाभि करनी पड़ती है प्राणायाम करते करते वो कारण अपनी आत्मा आत्मा जिसको आत्मा कहते हैं वो कहां है किरणा है जहां से किरणें कभी सूरज से और सूरज कभी क्या कभी लहरों से और लहर कभी दरिया से जुड़ा हो नहीं सकती तो आत्माएं कभी पारब्रह्म से और पारब्रह्म कभी आत्माओं से जुड़ा हो नहीं सकते हैं तो इसलिए आत्माएं कहां है जहां पर ब्रह्म सचिदानंद अक्षरा उस परम धाम में है वही आत्म के तन पर आत्म बैठी है वहां पर प्रेम का ही रस होता है और तब फर्स्ट टाइम जो है पारब्रह्म ने कहा कि भाई ये तो ढेर आपने प्रेम का चला दिया प्रेम का तो तब मेरा होता है कि हम आपको अधिक या आप हमको अधिक अपने पास पास रहते ना अरे क्या है रोज छत्तीसगढ़ मैंने फोन किया क्या तेरा प्यार है दो महीने हो गए तेरा एक बार फोन नहीं आया हम एक दूसरे को यही टांटे करते कि मेरा ही प्रेम बढ़ा उन्होंने कहा प्रेम किसका बड़ा है किसका छोटा है ये फैसला तब होता है जब थोड़ा सा जुड़ा हो जाए ना
तुम वहां माया में फंसोगे और हम कहां फंसेंगे फिर पता लगेगा। मैं तुम्हें पल पल याद करता हूं कि तुम मुझे उन्होंने कहा क्या हो जाएगा, कहने के बैठे तुम यही रहोगे, ध्यान देना, क्योंकि मैं तुमसे और तुम मेरे से कभी भी जुदा हो नहीं सकते। ये जो तुम्हारे पर आतंकन है ये मेरे हैं, और तुम वहां जाओगे तो मुझे भी तुम्हारे लिए वहां ध्यान के साथ मेरे साथियों, ये कारण है कि इस कलयुग की इतनी बड़ी भारी महिमा है और मेरे साथियों लूट रो आज प्रार्थना दुनिया में आ चुके। ग्रंथों को उठा के देखो, जो समय बताया हुआ था उसको भी बीते 3.5 साल हो गए, 350 साल हो गए, आ चुके हैं दुनिया। ये ज्ञान उन्हीं के मुखातिब है। मेरे जैसे बाबर जी की क्या औकात हो सकती है कि शब्द भी गीता या भारत से आगे गए। ये उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का दल है। सारे शास्त्रों को एकीकरण करके अब वो आत्माएं यहां उतरती हैं, ध्यान देना। अब यहां डेस्ट नहीं आना क्यों, परमधाम के अंदर लीला आनंद ही बोलो आनंद ही आनंद। और इसको कौन बनाता है, अक्षर ब्रह्म जो उनका सत अंग है। तब वो अपने चीफ मिनिस्टर को आदेश देते हैं, भाई हमारी आत्माएं तेरे खेल को देखना चाहते हैं। उनके दिल में भी उभरा गया कि धनी मैं भी तरसता रहता हूं सदा, जब आप मेरे ही निर्माण में आ रहे हैं समय में देख रहा हूं बड़ा ही मेरी नजर गई भर है चिंता अभी दस ब्रिज में ले आए सारी आयतों में समय साथ नहीं करते, मैं 7.5 दिन करो साथ नहीं करते। अरे पहला दिन थक जाएंगे, कल को आएंगे कहते महाराज ने आराम से बोल रहे। हाँ अभी अभी 6 बजे प्रिपेयर करो, मैं मेरे साथी को कोई बात नहीं, अभी परमधाम से उतरना ना मिशन यही थोड़ी स्टाफ करते हैं जिनको कोई देख लिया के लिए रघु शंकर डालिया पानी पीना प्लीज केवल 5 मिनट में उठ जाइए, उधर उधर देखो नहीं ना देखा देखिए ना आगे गया तो बड़ा मत करेगा पानी पीना रुक जाए देख लिया हमारे गेलो सुंदरता के राज्य जगह
और